हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा कोचिंग क्लासेस। आज मैं बच्चों आपको एक्सरसाइज 2.2 के वर्ड प्रॉब्लम्स और कुछ क्वेश्चंस करा रही हूँ। बच्चों देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। शिखा प्लांट्स 5 सैपलिंग इन अ रो ऑफ हर गार्डन। शिखा के पास बता रखा है कि 5 प्लांट्स है, एक रो में 5 प्लांट्स है। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4। फाइंड द डिफरेंस फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। तो पहले सैपलिंग और लास्ट सैपलिंग में दोनों में क्या कितना डिफरेंस होगा ये हमें निकालना है। तो बच्चों देखो, 5 सैपलिंग इन अ रो ऑफ हर गार्डन। सारे रो के जो 5 रो होंगे, 5 रो में हर गार्डन में इतने सैपलिंग है। तो बच्चों देखो, इसका मतलब कि क्या हमारी टोटल सैपलिंग हमारी कितनी हुई? 4। ठीक है, अब 5 हमारे क्या हो गए? रो हो गए। तो देखो, इसने बोला है कि एक दो एडजेसेंट सैपलिंग के बीच में कितना डिस्टेंस है? 3/4। तो देखो, 3/4 × 4, तो ये 4 कैंसिल, तो आपका आंसर क्या हो गया? 3 मीटर। अब इसने बताया कि डिफरेंस निकाला है पहले सैपलिंग में और लास्ट सैपलिंग में। तो पहले सैपलिंग और लास्ट सैपलिंग का कितना डिफरेंस निकल गया? 3 मीटर। ठीक है बच्चों, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ सिंप्लीफाई। बच्चों देखो, सिंप्लीफाई में आपको क्या करना है, जैसे आपका डिवाइड है, तो जब वो डिवाइड होगा कुछ नहीं आपको करना, उसका रेसिप्रोकल कर देना। डिवाइड को जब वो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखो बैठो, 3/10, अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 10/3। तो देखो, 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, आपका आंसर क्या हो गया? 5। अब ऐसे ही आपका 5 4 20, 20 + 3 23, इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में था, अब हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। डिवाइड को जब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, आपका आंसर क्या आ गया? 23/4। अब ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो, इसमें भी आपको डिवाइड करना, यहाँ पे बाई दिया हुआ, पहले हम आपको डिवाइड का साइन करके दिखाएंगे, देन आप इसको धन इसको मल्टीप्लाई में चेंज करके रेसिप्रोकल करके दिखाएंगे। तो देखो, 3/8 डिवाइडेड 5/9, तो देखो 3/8 9/5, तो देखो 3 9 27, 8 5 40, या 27/40 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब ऐसे ही आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो, 7/8 डिवाइडेड 9/2, तो देखो 7/8 मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, 2 4 8, तो क्या होगा? 7/36, ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में मिलती हूँ। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।